गुजुजंग पोला, नमस्ते नमस्कार सत श्रीकाल जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज एक बार सभी को मेरा चैनल में सबको स्वागत करता है। तो आज मैं इधर से हमारा बुद्धिस्ट पेंटिंग में चना चेरी कहता है, ठीक है, इसके बारे में छोटा सा वीडियो बना के डाल देगा, ठीक है जी। मेरा ये जो चना चेरी बनाने का जो सिंपल सा तरीका, मेरा जैसे जो सीखने वाला नया नया सीखने वाला के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि अगर वो लोग कोई प्रोफेशनल पेंटिंग या अच्छा वाला पेंटिंग होगा तो उन्हीं के लिए तो उसका बनाने का तरीका या आइडिया टेक्निक दूसरे होगा, ठीक है जी। तो मैं अभी मेरा तरीका से सिंपल से बनाए देगा आप लोग को, जो सीख सकेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने जो वुडन स्केल यूज़ करके लाइन बना दिया, ठीक है जी। देखिए लाइन इतना 1 2 3 4 5 6 लाइंस, 6 लाइंस में ना ऊपर एक ठो नीचे एक ठो है, ठीक है। ये दो तरीका से दो किस्म का चनाचारी बनाएगा, ठीक है जी। एक जो सीधा वाला, एक थोड़ा एंगल वाला, ठीक है, टेढ़े वाला, ऐसे वाला। इसमें जो मेजरमेंट होता है ना, अभी मैं मेजर करता हूँ, लेकिन आप लोग इसमें लंबा छोटा जैसे आप लोग को अच्छा दिख रहा है उसे मर्जी से आप कैसे रखने से भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसके बीच में और ये दोनों छोटा वाला कलम के बीच में 2 सेंटीमीटर रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके पहले वाला जो छोटा, उसके बाद जो दोनों कलम थोड़ा लंबा, तो मैंने फिर इधर 2 सेंटीमीटर नाप लिया। इसके बाद ऊपर, ठीक है, ये जो जो सीधा वाला जाना चाह रहे होता है ना, इसका जो आपका जो कलम मारता है ना, वो भी सीधा ही करना पड़ेगा। वो कभी ऊपर, फर्स्ट ऊपर, नीचे सेकेंड नीचे करके, ऐसे करके जो दिखने में ये प्लस जैसे दिख रहा है ना, ऐसे करके कभी ऊपर कभी नीचे करके ऐसे करके बनाता है, ठीक है जी, ऐसे करके। हाँ, तो इसमें कितना कितना रो का भीतर में जो लाइन मारता है वो तो आप लोग देख रहे होगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सिंपल सा चनाचारी बनाने के लिए कल परसों हमारा एक तो व्यूअर्स भाई साहब ने रिक्वेस्ट किया हुआ था, इसीलिए मेरे को भी इतना अच्छा से नहीं पता है, ठीक है, मेरे को भी अभी सीख रहा है, ठीक है जी। सीखने के बाद में तो छोटा सा वीडियो बना के इधर मैंने पोस्ट कर दिया, शायद आप लोग को भी सिंपल तरीक़ा से बनाने के लिए इसके मेरा वीडियो के ऊपर देखे सीख सकेगा, ठीक है जी। सब पे जाना ले मेरो यो वीडियो हेर दिनुहोस् होला, सुरुदेखि अन्त लास्टमासम्म हेर दिनुहोस् होला। आज मैले हाम्रो यो बुद्धिस्ट पेन्टिङमा जनाचारी बनाउँदैछ होइन, त्यसको बारेमा अलिकति मेरो नलेजमा भएको मैले पनि भर्खर सिकेर अन्त तपाईँहरूको लागि नजान्नुको लागि अन्त प्रोफेसनल आर्टिस्ट र पेन्टिङ जान्नेहरूको विषयमा मेरो बारे मेरोदेखि केही भन्नु छैन। अन्त म जस्तो नजान्नेहरूलाई अहिले भर्खर सिक्नु भएको साथीहरूलाई अन्त यिनीहरूले अलिकति पनि सिक्नु सक्छ होला भनेर मैले सानो एउटा जनाचारीको बारेमा भिडियो बनाएर अन्त यहाँ पोस्ट गरिदिँदैछु, सबैले हेरिदिनुहोस् होला। र त्यसको सँगसँगै सबैले मेरो च्यानलमा नयाँ आएको छ भने अन्त नयाँ हेर्दैछ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, लाइक एन्ड सेयर गरिदिनुहोस् होला, बेल आइकन पनि अन्त थिचिदिनु होला भनेर मेरो तर्फबाट सबैले रिक्वेस्ट छ भनेर भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मलाई कुनै यो पेन्टिङको बारेमा भिडियो हाल्नु पनि सकेन,
पेन्टिङको काम पनि गर्नु पाएन अहिलेसम्म, त्यसको लागि सबैले माफ गरिदिनुहोस्। अन्त अबदेखि मेरो आउनेवाला भिडियोमा पेन्टिङ, कोही बेला पेन्टिङको बारेमा आउँछ, कोही बेला कार्पेन्टरको बारेमा आउँछ। त त्यस्तै गर्दै मैले यहाँ धेरै भिडियोहरू बनाएर लगाइदिन्छु, अन्त सबैले सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। अब ये जो सिधावाला जो जनाचार्य होता है ना, उसको मैंने बना लिया, ठीक है जी। इसके बना के अभी उसका जो उसका ऊपर में जो पेंसिल लगा था ना, उसका भी मैंने इरेजर करके हटा दिया, ठीक है जी। ऐसे वाला दिखता है, ठीक है। तो बाद में आपका जो दोनों साइड का जॉइन कैसे करता है वो भी दिखाई देगा, ठीक है। अब जब जो आप छप्पा करता है ना, उस टाइम में ये जॉइन के मुताबिक से आप छप्पा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी ये जो एंगल वाला जनाचार्य, ठीक है, टेरे वाला, इसका भी लाइन मैंने पहले से बना के रखा था रो, अभी कलम मारेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेकेंड जो सेकेंड रो में छोटा छोटा सा कलम, और ये जो सेकेंड लाइन है ना, ये फोर रो फोर लाइन तक, इसके बाद फाइव लाइन तक, ऊपर सेकेंड से नीचे तक। तो अभी फोर्थ वाला जो कलम है ना, वो ऊपर का लाइन से जो नीचे का सेकेंड तक, तो देखिए सिक्स लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो सीधा वाला में सिर्फ मैंने चार लाइन लगाया था ना, चार कलम, अभी इसमें सिक्स कलम लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके मेजर करके, अब मेजर करने का टाइम में आप छोटा या लंबा जितना रखने से भी अपना मर्जी है, ठीक है जी। अभी मैं इसमें मेरा हिसाब से मेजर लगा के बना रहे, ठीक है। ऐसे करके लाइन उसमें कलम कैसे लगाते हैं आप अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। बाद में ये जो मिस्टेक होगा तो फिर आपका जो जनाचारी बनाने का तरीका अच्छा से नहीं होगा, ठीक है जी। तो सभी को मेरा ये चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से भी आप लोग सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल का भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैंने कभी कभी हमारा इधर जो भूटान में धर्मा का जो प्रोग्राम होता है उसका भी डाल देता है, कभी कभी ट्रैवलिंग ब्लॉग भी डाल देता है, तो कभी कभी ऐसे कुकिंग वगैरह भी लगा देता है। तो बाद में मैंने कुछ पेंटिंग या कुछ कारपेंटर के बारे में भी ज़रूर लगाते रहेगा वीडियो मैंने, ठीक है जी। तो हमारा जो भाई साहब लोग ने बहुत मेरे को पूछा है, ठीक है, ये पेंट कैसे बनाता है, क्या क्या पेंट यूज़ करता है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के डाल देगा, ठीक है जी। तो मैं ज़्यादातर आजकल तो प्लास्टिक पेंट ही यूज़ करता है, ठीक है, जो कि इंडिया मेड वाला शालीमर बर्जर और इंडिगो, ऐसे बहुत किस्म का प्लास्टिक पेन है ना आजकल, तो उसके यूज़ करता है, ठीक है। वो यूज़ कर प्लास्टिक पेन यूज़ करने से अपना ये जो पेंट में जो ग्लू लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है, ग्लू, क्योंकि प्लास्टिक पेन में ग्लू है ना ऑलरेडी, इसलिए मैं ग्लू का बदले से प्लास्टिक पेन में यूज़ करता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको प्लास्टिक पेन में जो हल्का सा होगा तो उसमें थोड़ा अपना जो मट्टी वाला कलर, ठीक है, मट्टी वाला कलर, या अपना ये टिबेटन वाला मेट का जो थम्स अप टिबेटन का कलर होता है ना, उसमें सब किस्म का कलर मिलता है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ऐसे करके मैं आने वाला वीडियो में ऐसे कुछ कलर के बारे में भी वीडियो बना के डाल देगा, ठीक है जी। तो देख लीजिए मैंने ये जो एंगल वाला जनाचारी का भी फिनिशिंग कर दिया, ठीक है, इसको इरेजर करके। देखने में कैसे लगता है, इसका जो
बॉडी वाला पार्ट है ना उसका थोड़ा साइज बड़ा रखना पड़ेगा, जो बीच का गैप है ना उसका थोड़ा छोटा करके बनाना पड़ेगा। तो बाद में ऐसे करके देखता है, ठीक है। चंद्राचारी दो किस्म का चंद्राचारी बनाने का तरीके भी थोड़ा अलग है ना, ये सीधा वाला का दूसरा और जो एंगल वाला का अलग कैसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं साइड में बॉर्डर लगा देगा, बॉर्डर बॉर्डर लगाने से अच्छा दिखेगा, ठीक है। बॉर्डर अभी मैं सिंगल बॉर्डर लगा लूँ, कभी कभी डबल बॉर्डर लगाने से अब अगर आप पेंटिंग करेगा तो आपको उधर जो सीमेंट या कुछ काट का हिसाब से आप बना के इसका जो छप्पा चंद्राचारी का छप्पा बना के, तो बाद में बॉर्डर लगाने से बॉर्डर में पेंट करने से भी बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है जी। ऐसे करके बॉर्डर लगा देगा अभी मैं। हमारा जो बुद्धिस्ट का जो व्यूअर्स लोगों ने हमारा अपना भाषा में जो बात करने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो भी अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर लोग भारत और नेपाल का है ना, इसीलिए मैंने नेपाल और हिंदी में ही थोड़ा थोड़ा जो टूटा फूटा हिंदी और नेपाली भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को ऐसे करके जो दोनों साइड का जॉइंट कैसे देख रहे हैं, ऐसे करके मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप छप्पा लगाता है ना उस टाइम में ऐसे वाला बनाना पड़ेगा। तो सभी को मेरा ये जो वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करिंचे टश दिलेला।